हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में जो पीसीएस एग्जाम 2012 का पेपर था, उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जो पीसीएस 2014 का पेपर आया था उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, क्वेश्चन करने के बाद वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करने की खुद कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में साथ साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन था, द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर्स वेरीज विद इट्स। ठीक है, यानी कि जो वायर की रेजिस्टिविटी है, यानी कि जो वायर है उसके अंदर एक रेजिस्टिविटी पावर होती है जिसके अंदर वो करंट को रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, कि कितना करंट उसके थ्रू फ्लो होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ, क्रॉस सेक्शन, मास या मटेरियल, यानी कि वायर कितनी लंबी है, उसका एरिया कितना है। ठीक है, उस वो कौन से मास से बनी थी, उसका वेट कितना है, और या कौन से मटेरियल से बनी हुई है। द आंसर इज इट्स डी, मटेरियल। ठीक है, वायर डिपेंड करती है कि कौन से मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, अब कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करने देती है। ठीक है, लेकिन अगर वायर को प्लास्टिक से बना दिया जाए तो करंट को पास होने देगी? नहीं देगी। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर जो है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो उसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कितना होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जार लें, ठीक है, उसमें पानी डाल दिया जाए और उसमें आइस है, ठीक है, आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, अगर ये आइस क्यूब्स जब मेल्ट हो जाते हैं तो पानी के लेवल पे क्या फर्क आता है? वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अनचेंज रहता है, या राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी आइस डाली गई है। द आंसर इज इट्स सी, इट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि पानी के लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट डाला होता है, जो फ्लोट कर रहा होता है, यानी कि जो आइस है, आइस क्या करती है, अपने मास के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग उतने ही पानी को डिस्प्लेस ऑलरेडी कर चुकी होती है। तो जब वो मेल्ट होती है तो वो जो डिस्प्लेस कर चुकी होती है पानी को, उसी की ही प्लेस ले लेती है, जिसकी वजह से पानी के लेवल में कोई भी फर्क नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, इन व्हिच ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन दीज मीडिया। साउंड जो है वो हर मीडिया में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। मीडिया यानी कि मीडियम, कि एयर में उसकी स्पीड अलग होती है, वाटर में उसकी स्पीड अलग होती है, या कोई भी मेटल सर्फेस है उसमें उसकी स्पीड अलग होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी ऑर्डर में जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। वाटर, आयरन, एयर, यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे कम वाटर में है, फिर आयरन में, फिर एयर में। आयरन, एयर, वाटर, एयर, वाटर, आयरन, और इट्स आयरन, वाटर, एयर। द आंसर इज इट्स सी, एयर, वाटर, आयरन। एयर में जो वेलोसिटी है स्पीड की वो है अराउंड 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो पानी है उसमें जो साउंड है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 1500 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि एयर से बहुत ज़्यादा है। और आयरन जो है, आयरन में किस स्पीड से ट्रैवल करता है? 5120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 5120 मीटर पर सेकेंड से आयरन से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम एयर के थ्रू, फिर पानी, और आयरन के थ्रू सबसे ज़्यादा तेज जो है वो साउंड ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेओफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। ठीक है, ये स्केल किस लिए यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, विंड वेलोसिटी को, ह्यूमिडिटी को, या हाइड्रोलिक प्रेशर को? द आंसर इज इस बी, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए बेओफोर्ट स्केल जो है वो यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, विंड वेलोसिटी का तो हो गया, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर। तो हम आपको साथ के साथ एक क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर किस
किससे होता है? इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया जाता है प्रॉपर, हाइड्रोलिक प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स गिवन है और राइट हैंड साइड एग्जांपल्स गिवन है, तो मैच करना है कि कौन सा कोलॉइड का कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है, तो इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, ठीक है, यानी कि दिस वन, ए जेल इज बटर, इमल्शन इज अ एग्जाम, इमल्शन का एग्जाम्पल है मिल्क, सोल का एग्जाम्पल है पेंट, एंड लास्ट एरोसोल यानी कि फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स एंड देयर ओर्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है मेटल्स के और ये बताया गया है कि इनके ओर्स हैं। विच ऑफ द अबव मेंशन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है कि करेक्टली मैच नहीं है। आयरन सेडराइट, कॉपर कैलामाइन या जिंक स्फेरलाइट राइट, द आंसर इज इट्स बी, यानी कि कॉपर का कैलामाइन नहीं होता। कॉपर का कौन सा ओर होता है? इट्स कोवलाइट, ठीक है, सी यू एस, कॉपर सल्फाइट। बाकी जो दो हैं वो करेक्टली मैच किए गए उनके पेयर्स के साथ। अ हैवी एंड अ लाइट बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। दो बॉडीज हैं, एक हैवी है एक लाइट है, दोनों का मोमेंटम जो है वो इक्वल है, लेकिन फिर भी किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? लाइट बॉडी में, हैवी बॉडी में, दोनों में इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी? या डाटा इज इनकम्प्लीट, जो डाटा गिवन है वो इनकम्प्लीट है? The answer is, it's a light body, ठीक है। जितनी ज़्यादा body light होगी उतने ही ज़्यादा उसमें kinetic energy जो है वो possess करता है। Next question is, which of the following are the primary lymphoid organs? इनमें से, इन चारों में से कौन से options जो हैं वो primary lymphoid organs हैं? Lymphoid organs यानी कि जो circulatory system में जो blood vessels होते हैं जिनके through blood जो है वो सर्कुलेट होती है, दैट कम्स अंडर लिम्फोइड सिस्टम। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में से, इन चारों में से कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स हैं? वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों ऑप्शन जो हैं ये चारों के चारों लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। द आंसर इज इट्स ए, यानी कि वन एंड टू, यानी कि बोन मैरो एंड थाइमस जो हैं ये दोनों जो हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ्लैक्टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एफ्लैक्टॉक्सिन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये जो मोल्ड्स वगैरह बन जाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह होती हैं, सड़ जाती है, तो ये पॉइजनस कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग जर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एफ्लैक्टॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करता है इनमें से? बैक्टीरियम, फंगस, एल्गी या वायरस? द आंसर इज इट्स बी, फंगस। फंगस जो है एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फूड कलर्स इज मोस्ट कॉमनली एडेड इन बटर एंड चीज, यानी कि बटर एंड चीज में कौन सा फूड कलर जो है जो नेचुरल डाला जाता है? ना तो पेप्रिका, बेटनिन या पैंडिन। बटर और चीज में उसको येलो कलर देने के लिए कौन सा फूड कलर डाला जाता है? इट्स ए अनैतो, ठीक है। पेपरिका बेसिकली बेल पेपर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो बेटनिन है दैट्स अ बीटरूट रेड, ठीक है, वो रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए डाला जाता है। और पैंडन जो है बेसिकली फ्रेग्रेंट लीव्स होते हैं, इनकी जो खुशबू यूज की जाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड किसी को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर
चैनल।